ओके अभी पीआईडी ट्यून करना है, पीआईडी ऑटो ट्यून या पीआईडी मैनुअल ट्यून, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम जैसे दो स्विच ए प्रेस करेंगे तो हमारे को ए डिस्प्ले आ जाएगा। ए डिस्प्ले में लेवल में हमें जाना है CO1, ठीक है। लेवल में आना चाहिए CO1, लेवल में CO1 आता है तो उसके बाद इसको प्रेस करिए SP1 को, इसको प्रेस करेंगे ट्यून लिखा है ऑफ है। अगर आपको ऑटो ट्यून करना है तो इसको आप करेंगे ऑफ, अच्छा लेवल CO1 में ऑटो ट्यून इसको ऑन करना है। ऑन करने के लिए इसको अप प्रेस करना है, ठीक है। अप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ए, बाद में एसपी सेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और आपका ऑटो ट्यूनिंग वहां पे हो जाएगा, राइट। अभी पीआईडी का वैल्यू हमें चेक करना है, मैन्युअली कोई वैल्यू डालना है उसके लिए फिर से अब जाना है तो आपको इसको प्रेस करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा, इसमें आएगा एपीबीपी में, मतलब पी का वैल्यू है, ठीक है। ये इसका अभी 25 है डिफॉल्ट वैल्यू, आपको जो सेट करना है कर सकते हैं। INT मतलब आई का वैल्यू 10 है डिफॉल्ट वैल्यू, आपको जो सेट करना है अप डाउन कर सकते हैं। और डी का वैल्यू डेरिवेटिव अभी फिलहाल ऑफ रखा है जनरली।